स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 बेस्ड ऑन क्वाड्रेंट्स। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स पे बेस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आपका ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स को डिस्कस किया था। ओके, तो यहां पर हम क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ कोस एक्स इक्वल टू माइनस 1/2 एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस रेशियोस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों। आंसर सबसे पहले इस टाइप के अगर क्वेश्चन गिवन है ना, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जो गिवन वैल्यू है ना उसको नोट कर लेना है, cos x equal to minus 1/2। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एंगल किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखें, साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, ये ध्यान रख लेना है। साइन पॉजिटिव मिलेगा और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक क्या मिलेगा, पॉजिटिव। बाकी जो फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो निगेटिव मिलेंगे। ओके, साथ के साथ हमें एक राइट ट्रायंगल बना लेना है, राइट ट्रायंगल। अब कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो 90 के सामने वाली अपोजिट जो होती है वो हाइपोटेन्यूस कहलाती है। ओके, और ये एंगल होगा कितना, एक्स। एक्स के सामने वाली यानी कि एंगल के अपोजिट जो साइड है वो हमारी कहलाएगी परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग साइड है वो हमारी कहलाएगी बेस। ओके, अब बेस तो आपको वन यूनिट है क्योंकि लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती, ये निगेटिव साइन तो मैंने बताया क्वाड्रेंट्स की वजह से आया हुआ है, और हाइपोटेन्यूस है टू। अब बात रही परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर यहां से कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस कितना है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 है ना, बेस 1 का स्क्वायर है, तो ये रूट 3 आ जाएगी। ओके, अब कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec x, तो sec x को क्या रेसिप्रोकल कर दो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस यानी कि 2 अपॉन 1। ओके, यानी कि माइनस 2। सेकंड साइन एक्स होता है पी अपॉन हाइपोटेन्यूस, और सेकंड आपका साइन एक्स, ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव, है ना, और ये पी की वैल्यू कितनी थी, रूट थ्री अपॉन 2 ये आ जाएगा। ओके, थर्ड वैल्यू है ना कोसेक एक्स, जो कि रेसिप्रोकल है इसका, कोसेक एक्स क्या मिल जाएगा, 2/√3। फोर्थ वैल्यू हम निकाल लेंगे टेन एक्स क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू मिलेगी हमें, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो परपेंडिकुलर हमारा √3 आया था और बेस है हमारा 1। ओके, और फिफ्थ कोट, तो कोट एक्स भी निगेटिव होगा, -1/√3 है ना, तो ये फाइनल आंसर हमारे निकल जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए,
सेकंड क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको गिवन है साइन एक्स की वैल्यू, ओके, और साइन एक्स की वैल्यू आपको गिवन है -3/5, और एक्स है थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। एक्स को मान लेते हैं किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में, ओके। ये और पूछा गया है अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें बताने हैं, ओके। तो सेम वही तरीका है, सबसे पहले हम नोट करेंगे गिवन वैल्यू को -3/5, एक्स किस क्वाड्रेंट में है ये नोट करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू नेगेटिव होती है और किसकी पॉजिटिव होती है ये नोट करने वाली बात है। तो हम सबसे पहली बात नोट करेंगे पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, टेन और क्या कॉट क्या रहेंगे पॉजिटिव, अदर नेगेटिव रहेंगे, ओके। तो साइन एक्स हमें पता है, साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है कोसेक एक्स, और ये आ जाएगा -5/3। अब हम राइट ट्रायंगल बना देंगे, ओके, और ये एंगल एक्स लेट कर लेंगे, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये बेस। अब साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ओके। तो बेस निकाल लेंगे, बेस कैसे निकालेंगे, तो बेस इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर। 25 - 9, तो 25 - 9 ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 4 यूनिट, ओके। अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेंगे, टेन एक्स यहां से निकालेंगे, टेन एक्स पॉजिटिव होगा, ओके, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा इक्वल टू 3/4, 7 की 7, इसका रेसिप्रोकल कोट एक्स, कोट एक्स हो जाएगा 4/3, है ना। नेक्स्ट फोर्थ, हम निकालेंगे कोस एक्स, कोस एक्स यहाँ पे क्या होगा निगेटिव, तो निगेटिव बी अपॉन कितना आएगा एच, बी कितना है 4, एच कितना है 5, ओके, ये माइनस का। एंड फिफ्थ सेक एक्स, इसका रेसिप्रोकल है -5/4, तो ये हमारे फाइनल आंसर निकल जाते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3, ये वैल्यू है। तो अगर 90 से बड़ा एंगल है और उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट का यूज करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ओके। तो यहां पर वैल्यू निकालने के लिए 3 से हम डिवाइड कर देंगे, सबसे पहला काम है हमें पाई का कोई मल्टीपल हम ऑब्टेन करेंगे, पाई या π/2 का, तो 3 से डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा 10π, है ना, 10 जा 30, और रिमाइंडर मिला π/3। अब 10π+3 आ जाता है, और ये जो 10π है ये क्या है, इविन मल्टीपल है, क्या है, इविन मल्टीपल ऑफ पाई, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई कहाँ मिलेंगे, इस लाइन पर मिलेंगे 0, 2π, 4π, 6π, ओके। और इस लाइन पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस नो चेंज, यानी कि साइन तो साइन ही रहेगा, साइन तो क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ओके। फिर ये एंटर कर जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि +π/3 हो रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होंगे हम, है ना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, ओके। अब हमारा ये 10π, ये हम यहाँ से हटा देंगे, लास्ट एंगल स्मॉल एंगल हम रख लेंगे π/3, π/3 होता है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री मिल जाएगी वैल्यू, और साइन 60 डिग्री कितनी, √3/2, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन 765 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, जब भी एंगल 90 से ग्रेटर हो और न्यूमरेटर में कोई भी नंबर
परजेंट ना हो तो हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए 90 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 765 डिग्री को 90 से डिवाइड करो, तो 90 का मतलब 9 से डिवाइड कर लो, पहले 8 बार टेबल चलेगा, तो ये आ जाएगा 8 इंटू पाई बाई 2। 90 डिग्री मीन्स पाई बाई 2, पाई की टर्म से हम रख देंगे। बाकी कितना रिमेनिंग डिग्री मिला हमें, यानी कि 8 पाई बाई 2, 8 इंटू 90 डिग्री, 720 डिग्री हो गया। रिमाइंडर बचेगा कितना, 45 डिग्री। ओके, अब ये 2 से ये पूरा रिड्यूस हो जाएगा, तो ये हमें मिला, ये मिला हमें tan 4 पाई। अब 4 पाई क्या है, फिर अगेन इसका इवन मल्टीपल मिल गया, तो इवन मल्टीपल है तो ये इस लाइन पर हो जाएगा, और 4 पाई प्लस 45, तो ये फिर अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस लाइन पर साइन का साइन ही रहेगा, टैन का टैन ही, कोई चेंज नहीं होता इस लाइन पर, हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो टैन का टैन ही रहेगा, टैन टैन ही, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, क्योंकि 4 पाई के बाद में क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटर करेगा, तो यहां मिलेगा 45 डिग्री, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोसेक माइनस 1/4 टेन डिग्री, ओके, ये भी 90 से बड़ा एंगल है। अब यहाँ पे निगेटिव आ गया, तो प्लस थीटा लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और माइनस थीटा लाई करता है फोर्थ में, और फोर्थ में कोस और सेक प्लस होते हैं, तो कोसेक निगेटिव होगा, ये निगेटिव साइन सबसे पहले आप बाहर निकाल लें, है ना, ये सबसे पहले निगेटिव साइन बाहर निकाल लेंगे। ओके, इसके बाद 90 से डिवाइड कर लेंगे हम इसको, तो 90 से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, 9 से डिवाइड करके देख लीजिए आप, तो 9 वन जा 9, ओके 5 वन, है ना, 51 पे 9 का टेबल हम पढ़ेंगे, है ना, 9 5 जा 45, मिलेगा रिमाइंडर 6 और उतारेंगे हम 0 का, तो ये आ गया 15 पाई बाय 2 प्लस कितना 60 डिग्री। इसके लिए अब देखो प्यारे बच्चों, 2 से ये डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो ये अब वर्टिकल लाइन में मिलेगा, अगर पाई का कोई भी मल्टीपल है वो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन पे मिलेगा। अब पाई के दो मल्टीपल ओड मल्टीपल है तो लेफ्ट साइड में मिलेगा हॉरिजॉन्टल लाइन पर, और अगर इवन मल्टीपल है तो राइट साइड मिलेगा। अब वर्टिकल लाइन पर पाई बाई 2 के मल्टीपल मिलेंगे हमेशा, और पाई बाई 2 के दो टाइप के मल्टीपल होंगे, एक तो ऐसा मल्टीपल कि 4 से डिवाइड करने पर मल्टीपल को पाई बाय 2 के रिमाइंडर 1 देता हो, और 4 से डिवाइड करने पर यह रिमाइंडर मिलेगा आपको 3। तो ये चेक करना है, जब भी पाई बाय 2 का मल्टीपल हमें मिले 15, तो इसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर मिला 3, और 3 रिमाइंडर हमें कहां मिलता है, नीचे वाले, है ना, नीचे वाले साइड में मिलेगा, तो 3 रिमाइंडर यहां मिलेगा, तो यहां पर हम हो गए, यहां 15 पाई बाय 2 का मतलब है हम इस लाइन पर है, और प्लस में 60, तो ये फोर्थ में पहुंच गए, और इस लाइन पर प्यारे बच्चों साइन कोस में बदल जाता है, टेन कोट में और सेक कोसेक में, किस लाइन के लिए, वर्टिकल लाइन के लिए, लेकिन हॉरिजॉन्टल के लिए ऐसा नहीं होता है ना, साइन का साइन ही रखा जाता है, कोस का कोस ही रखा जाता है, तो वर्टिकल लाइन पे है 15 पाई बाय 2, तो कोसेक चेंज हो जाएगा किसमें, सेक में हो जाएगा, सेक में, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब ये मल्टीपल हम हटा देंगे और क्या रखेंगे, 60 डिग्री, क्योंकि ये फोर्थ में पहुंच गया, फोर्थ में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि कोस और सेक पॉजिटिव होंगे और कोसेक क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव पहले से है और नेगेटिव फिर अगेन लग जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो sec 60 डिग्री, और sec 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2, तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। ओके, यानी कि सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना है कि साइन प्लस होगा या माइनस होगा, फिर चेंज होगा या नहीं होगा। ओके, ये ध्यान, साइन कैसे पता करेंगे, किस क्वाड्रेंट में है,
चल गया हमें कि 15 पाई बाय 2 इस लाइन पर है। अब 15 पाई बाय 2 से आगे बढ़ना है तो फोर्थ में एंटर करेंगे और फोर में एंटर करते ही साइन कैसा मिलेगा हमें, कोसेक का, क्योंकि कोस और सेक प्लस होते हैं, कोसेक माइनस, तो माइनस मिलेगा, माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा। फिर अब चेंज होगा या नहीं, तो वर्टिकल लाइन पर चेंज होता है, किसमें कोसेक, किसमें चेंज हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा सेक में, तो सेक में करते हैं, आंसर हमारा मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 15 pi by 4। ओके, डिफरेंट टाइप के मैंने क्वेश्चन उठाए हैं यहाँ पर, जिससे कि ये 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट आप सॉल्व कर ले। ओके, अब -15 pi by 4, नीचे 4 है तो 4 से डिवाइड कर दो, और यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें कोस और सेक प्लस के, यहाँ है कोट है, तो ये कोट तो माइनस होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, सबसे पहले नेगेटिव को बाहर रख लेते हैं। ओके, ये अगर यहाँ कोस होता तो ये माइनस बाहर निकल के पॉजिटिव हो जाता। ओके, ये ध्यान, अब 4 से डिवाइड कर दो, सिंपली 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12 है ना, तो 3 पाई मिलेगा हमें। अब ये देखना है 3 पाई से आगे जाना है ना, 3 पाई वाली लाइन कौन सी, हॉरिजॉन्टल है, ये ऑड मल्टीपल, नो चेंज, कोट चेंज नहीं हुआ, और किस क्वाड्रेंट में आया, थर्ड में, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, तो आपका 10 और कोट पॉजिटिव, कोट है तो ये माइनस, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि कोट पॉजिटिव है और ये पहले से नेगेटिव है तो माइनस रहेगा। ओके, अब चेंज होगा या नहीं, इस लाइन पर नो चेंज है तो कोट का कोट ही रहेगा, मल्टीपल को हटा देंगे, 3 पाई बाय 4 हम रख लेंगे। ओके, 3 पाई बाय 4, पाई कितना, 180 डिग्री, और 3 बाय 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 135 डिग्री, या इस ये 135 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये चेक कर लो, है ना, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव कोट, हम इसको या ऐसे लिख लो आप, देखो 3 पाई बाय 4 को 4 से तो पूरा डिवाइड नहीं होगा तो पाई माइनस कुछ करना पड़ेगा, पाई माइनस पाई बाय 4, अब पाई, पाई फिर इस लाइन पे है, अब माइनस पाई बाय 4 है, तो इस लाइन से हम पीछे की तरफ हटेंगे, माइनस का मतलब पीछे हटेंगे, है? हम किस तरीके से रोटेट करते हैं एंगल को, एंटी क्लॉकवाइज, तो आगे बढ़ना है तो हम आगे ऐसे बढ़ेंगे, और इस लाइन से पीछे हटेंगे तो किस में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव, तो कोट क्या होगा, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब जो इस लाइन पे है वो कोट साइन कुछ भी हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ भी हो, है ना, वो चेंज नहीं होते, तो इस लाइन के लिए चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर कोट क्या मिलने वाला है, कोट पाई बाय 4, और ये वैल्यू हमें मिल रही 1। ओके, तो ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट में ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट को समझाया, और इस पे कुछ बेस क्वेश्चन सो हमने आज किए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।